दोस्तों, अगर इनफर्टिलिटी एक अभिशाप है तो मेडिकल साइंस के पास इससे निपटने के रास्ते भी हैं, पर जरूरत है सही इन्फॉर्मेशन और एक्सपर्ट एडवाइस की, जो लेकर आते हैं हम आप तक, आपके टीवी स्क्रीन्स तक। हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर नंदिता पलशेटकर। चलिए करते हैं उनका स्वागत। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। आज के इस एपिसोड में मैं चर्चा करना चाहती हूँ PCOS और IVF के बारे में। ये बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी हो गई है, अक्सर सुनने में आती है। हैं तो सिर्फ 3-letter words अब्रीविएशन, लेकिन बहुत डीप मीनिंग रखते हैं। तो शुरुआत करते हैं PCOS से, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। हैव आई गॉट इट राइट? एब्सोल्युटली। सो क्या है PCOS? PCOS एक्चुअली इज़ अ हार्मोनल डिसऑर्डर, जहाँ पे हॉर्मोन्स की इम्बैलेंस हो जाती है एंड उसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं। जो सिम्टम्स है वो यू नो लाइक पीरियड्स नहीं आते हैं, 1.5 महीना 2 महीने के बाद पीरियड्स आते हैं, या वजन एकदम बढ़ जाता है, यू नो एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ, देयर आर दिस ब्लैकनेस ऑन द स्किन स्पेशली ऑन द नेक। तो दीज आर द सिम्टम्स विच यू सी इन PCOS। एंड जनरली हमने देखा है कि ये लाइफ स्टाइल एसोसिएटेड डिजीज है। जिन बच्चों का यू नो इट बिगिंस इन एडोलेसेंट, 13-14-15 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। जो लड़कियां बहुत ओबीज हो जाती है, यू नो देयर इज नो एक्टिविटी, कि कोई गेम्स नहीं, यू नो फिजिकल एक्टिविटी नहीं, तो उनमें ये और जंक फूड, आई थिंक डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी रियली कॉन्ट्रीब्यूट टू इट। कि आपके पास जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होगा कि आप PCO हो सकते हो, बट अगर आप एक्टिव रहे, यू नो डाइट अच्छा रखे, तो वो PCOS नहीं, सिंड्रोम नहीं बनेगा, सिर्फ PCO रहेगा, पॉलीसिस्टिक ओवरी रिसेसिव रहेगा बॉडी। यस, यू नो आई वाज जस्ट डूइंग सम रिसर्च ऑन द नेट एंड आई रियलाइज्ड कि हमारी कंट्री में इनफर्टिलिटी का सबसे मेजर जो कॉज है वो PCOS ही माना जाता है। ये कहाँ तक सच है? सी PCOS मतलब अगर आप देखो तो यू नो इनफर्टिलिटी में 50% लड़की के दोष के वजह से इनफर्टिलिटी होती है, तो उसमें नियरली 40-60% PCOS मतलब एनोव्यूलेशन है। 40-60%, इट इज़ वेरी हाई, इट इज़ वेरी हाई। एंड आजकल ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि यू नो लाइफ स्टाइल, एज आई सेड बिफोर, बिल्कुल कंप्यूटर के सामने बैठे हुए बच्चे हैं, कंप्यूटर गेम्स खेल रहे हैं, कोई जाके मैदान में थोड़ी कोई कुछ खेल रहा है, यू नो ये सब हैबिट्स की वजह से ये डेफिनेटली ऑन द राइज है। मेरी भी कुछ ऐसे मैरिड कपल दोस्त हैं जो IVF के जरिए संतान प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं, पर फॉर अ लेमैन IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये टेक्नोलॉजी, ये प्रोसीजर है क्या? IVF मतलब हम वो बच्चा जो है शरीर के बाहर तैयार करते हैं। शरीर के बाहर? एब्सोल्युटली। तो वी टेक द एग्स फ्रॉम द गर्ल, द स्पर्म्स फ्रॉम द हस्बैंड, एंड एक्चुअली टेस्ट ट्यूब बेबी टेस्ट ट्यूब में नहीं बनता है, डिश में बनाते हैं हम। अच्छा। सो हमारे लेबोरेटरी में डिश में एक अंडा रखते हैं और उसके ऊपर 1 lakh स्पर्म्स छोड़ते हैं और ये ओवरनाइट इंक्यूबेटर में रखा जाता है। 1:1 lakh का रेशियो? यस एब्सोल्युटली। और फिर इंक्यूबेटर में रखने के बाद दूसरे दिन हम चेक करते हैं। अच्छा। एक्चुअली 1978 में लुइजा ब्राउन करके पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का यू नो जन्म हुआ। इज शी स्टिल अलाइव एंड हेल्दी? ऑफ कोर्स, एंड शी हैज अनदर चाइल्ड नाउ। Oh, which she conceived naturally. Naturally, absolutely. अच्छा। पर इसके अलावा और क्या technologies हैं भारत? See, 1992 में पालेरमो करके एक scientist था, उसने एक अंडा लिया, एक sperm लिया और directly sperm inject कर दिया। Actually वो by mistake हो गया। Okay. And उसने वो अंडा बाजू में रख दिया and the next day he saw that a baby was ready. Okay. And that is how ICSI was invented. ICSI. ICSI. Yeah. ICSI. इसका full form? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और ये जो टेक्नोलॉजी है एक्चुअली इट इज़ यूजफुल फॉर मेल फैक्टर। यू नो 1992 के पहले अगर पुरुष के स्पर्म्स में प्रॉब्लम होता था तो उनको सिर्फ डोनर सैंपल यूज करना पड़ता था। So this is called ICSI. This is called ICSI. Okay. And a lot of innovations उसके बाद में आए, you know, something like IMSI, जो हमने अभी last year introduce किया इंडिया में first time. IMSI मतलब हम वो जो sperm है उसे 7,200 times we enlarge it. Magnify. Absolutely. And then we, you know, look at it and we see the head is proper, measurements are taken, उसमें क्या abnormalities है, और फिर सबसे जो normal looking sperm है वो उठा के हम use करते हैं बच्चा तैयार करने के लिए। So it's like a selective procedure जहाँ best sperm select करके introduce किया जाता है। Yeah.
Wonderful. मैंने एक और टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है, there's something called as laser technology. Yeah, I think it's a wonderful technology. Laser जो है ये हम use करते हैं in reproduction. Actually जो आँख का laser use करते हैं ना number कम करने के लिए, उससे भी ये fine laser होता है, diode laser होता है, और ये जो बच्चा होता है मतलब embryo, उसके cover को hatching करता है. So we make a cut or we thin the cover so that when the baby is put in the womb, embryo जब uterus में जाता है तो actually hatch करके uterus में grow करने लगता है. पर इस hatching procedure का जो success ratio है वो क्या है? I think you have to take sub technologies together. आज अगर हम IVF करें किसी का या ICSI करें किसी का, अगर वो लड़की की उम्र under 35 हो तो the pregnancy rate is nearly 45 to 50%. Okay. You know, it's really good. And जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे of course the pregnancy rate comes down. But 50 or 60% के बीच में काफ़ी units को अभी success rate मिल रहा है. अगर मैं आपसे hierarchy की बात करूँ कि हमने बात की IVF की, ICSI की, hatching की, तो hierarchy वाज जाएँ तो कौन सा procedure पहले try करना चाहिए? ये fail हो तो फिर ये procedure, ये fail हो तो फिर ये procedure. Is there a process that one should follow? See, you know, basically ICSI is useful in all patients. Okay, whether male partner, problem हो या female partner. Or female partner. अच्छा. But IVF is only useful for the female partner. जी. So sometimes in some of the cases, in some of the units, IVF centers, they do all ICSI. So IVF and ICSI, there's not much to choose between them. Or but you can go for IVF before if you have a male, female factor. Okay. But ICSI first if you have a male factor. And these which I've mentioned, jo dusre mentioned kiye hai, you know, IMSI, the vitrification, etc. All these other technologies are additional. Okay. So now what is happening is with these new technologies coming in, we are doing ICSI plus IMSI plus blastocyst culture, that kind of a thing. All together. All together we can combine it so that we can give the best success chance to that patient. Definitely. You know, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी एक कपल की प्रॉब्लम होती है, उनकी निराशा होती है, पर एक डॉक्टर हर पल उनका साथ देता है. एक चीज़ नहीं सफल हो पाई तो दूसरी चीज़, दूसरा रास्ता उन्हें दिखाता है. और आप अपने पेशेंट का साथ देती हैं, मेरा साथ देती हैं, ताकि एक इतना अच्छा शो हम बना पाएँ और हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी देती हैं. यहाँ आने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. फ्रेंड्स, दिस हैज़ बीन अ वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव एपिसोड. हमने आज चर्चा की है PCOS के बारे में, IVF और इसके साथ साथ बहुत सारी बेहतरीन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में. अगर आप जानना चाहते हैं और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 02266910096. आप चाहें तो हमें ईमेल भी लिख सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी है mail@careworldtv.com पर. हमारी वेबसाइट है www.careworldtv.com.